बहुत पुरानी बात है एक जंगल था उस जंगल में जमीन के चक्कर जानवरों में लड़ाइयां हुआ करती थी हर जानवर की अलग अलग जगह होती थी जंगल में एक पहाड़ था उस पहाड़ में बंदरों का डेरा था वह दिन भर पहाड़ी में घूमते रहते और मौज मस्ती करते हैं इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो दैट देयर वॉज अ फॉरेस्ट इन दैट फॉरेस्ट They are used to be fights between animals for land. Each animal had a separate place. There was a mountain in the forest. In that mountain there was a camp of monkeys. He roams in the hill all day long and has fun. It was a long time ago that there was a forest. In that forest they are used to be fights between animals for land Each animal had a separate place There was a mountain in the forest in that mountain there was a camp of monkeys He roams in the hill all day long and has fun It was a long time ago that there was a forest In that forest they are used to be fights between animals for land. Each animal had a separate place. There was a mountain in the forest. In that mountain there was a camp of monkeys. He roams in the hill all day long and has fun.

कि आप यहां से चले जाएं क्योंकि आपके आने से हमें परेशानी हो रही है शेर ने कहा कि मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा और मैं तो किसी को परेशान भी नहीं कर रहा हूं और जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा जब तक मैं उन्हें भी परेशान नहीं करूंगा और कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा डॉट बंदर को शेर का दखल होना बिल्कुल पसंद नहीं आया पर वह क्या कर सकते थे वे वहां से चले गए डॉट लेकिन बंदरों ने एक उपाय सूझा और कहा क्यों ना हम शेर को परेशान करें और उसको यहां से जाने के लिए मजबूर कर दे एंड सेट दैट आई विल नॉट लीव फ्रॉम हियर आई वोंट इवन बॉदर यू The monkey didn't like the lion's interference at all. But what could he do? They left from there. But the monkeys thought of a solution and said why don't we disturb the lion and force him to leave. एक बार शेर अपनी गुफा के बाहर सोया हुआ था और बंदर ने सोचा क्यों ना पहाड़ से एक पत्थर शेर के पास फेंक दे ताकि वह डर जाए और वहां से भाग जाए डॉट बंदरों ने पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर नीचे फेंक दिया और वह शेर के पास जाकर गिरा शेर की नींद खुल गई पर वह डरा नहीं और वह वापस गुफा में चले गया बंदर की यह तरकीब भी काम नहीं आई Once the lion was sleeping outside his cave and the monkey thought why not throw a stone from the mountain to the lion so that he gets scared and runs away dot the monkeys threw a big stone down the hill and it fell near the lion the lion woke up but he was not scared and went back to the cave this trick of the monkey also did not work अब गर्मियों का मौसम आ गया और शेर ने अपने सेक्रेटरी भेड़िए से कहा कि गर्मी बहुत हो रही है और मैं नदी तक पानी पीने नहीं जा सकता इसलिए तुम मेरे लिए पानी यहीं ले आना भेड़िए ने कहा जी महाराज डॉट अब जैसे ही भेड़िया एक बाल्टी में पानी लेकर आया तो बंदरों ने उसे देखा और उन्हें एक उपाय सूझा Now the summer season has come and the lion said to his secretary wolf that it is very hot and I cannot go to the river to drink water, so you bring me water here. The wolf said, Sir. Now as soon as the wolf brought water in a bucket, the monkey saw it and thought of a solution. उन्होंने बात की और एक बड़ी सी बांस की डंडी ली और जिसमें पानी भरा था उसमें डाला और दूसरी छोर को पहाड़ी के नीचे छोड़ दिया गिरने लगा और इस तरह बाल्टी का सारा पानी खत्म हो गया जब शेर बाल्टी के पास पानी पीने आया तो उसने देखा कि बाल्टी बिल्कुल खाली हो चुकी थी He spoke and took a big bamboo stick and inserted it into the one which was full of water and left the other end at the bottom of the hill. Started falling and in this way all the water in the bucket got over. When the lion came to the bucket to drink water, he saw that the bucket was completely empty. दोस्तों यह वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है एक लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे मेरी न्यू वीडियो आपको देखने को पहले मिले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उसने भेड़िए को बुलाया और उससे कहा कि पानी तो है ही नहीं मैंने तुमसे पानी लाने को कहा था भेड़िए ने कहा हजूर मैं तो पानी लाया था शायद गर्मी के वजह से वह भाप बनकर उड़ गया बंदर दूसरी ओर इसको देख रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे ही कॉल्ड द वुल्फ एंड टोल्ड हिम डैट देतर इज नो वॉटर आई आस्क यू टू ब्रिंग वॉटर द वुल्फ सेड सर आई हैड ब्रॉट वॉटर पर हैप्स बिकॉज ऑफ द हीट इट इवेपरेटेड द मनकीज वर वॉचिंग इट ऑन दी अदर साइड एंड वर लाफिंग इन देयर हार्ट दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ रोज की तरह भेड़िया फिर पानी लाया और भेड़िए ने उसी तरह उसे भी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया शेर वापस फिर आया और उसने फिर भेड़िए को पानी ना होने की वजह से डांट लगाई भेड़िए ने कहा हजूर मैं तो पानी लाया था लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पानी कैसे खत्म हो गया द सेम हैपन ऑन द सेकंड डे as you will, the wolf again brought water, and the wolf threw it down the hill in the same way. the lion came back again and scolded the wolf for not having water. the wolf said, "sir, i had brought water, but i do not understand how the water ran out." अगले दिन दोबारा भेड़िया पानी की बाल्टी भरकर लाया और रखते ही वह कहीं छुप गया गुफा से शेर भी देख रहा था बंदर रोज की तरह आए और उसमें बांस की डंडी डालकर पानी बाहर पहाड़ी से फेंकने लगे डॉट शेर ने और भेड़िए ने यह सब कुछ देख लिया भेड़िए ने शेर से कहा हजूर यह बंदर है जो कि पानी का पार्टी खत्म कर दे रहे हैं The next day again the wolf brought a bucket full of water and as soon as he kept it, he hid somewhere. The lion was also watching from the cave. The monkey came as usual and started throwing water out of the hill by putting a bamboo stick in it. Ending the party. आपको इन सबको दंड देना चाहिए शेर ने कहा नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम कल से आधा पानी गुफा के अंदर रख देना और आधा पानी बाल्टी में बाहर रख देना डॉट भेड़िए ने ऐसा ही करा वे रोज की तरह आधा पानी अंदर गुफा में ले गया बाकी बाहर रख दिया और बंदर रोज की तरह उसमें से पानी निकालने लगे और बाहर फेंकने लगे यू शुड पनिश ऑल ऑफ देम The lion said no we should not do this From tomorrow you keep half of the water inside the cave and keep half of the water outside in the bucket and started throwing out ऐसे ही दिन बीते रहे बंदर बार बार बाल्टी के पानी को बांस की डलिया लगाकर पहाड़ के नीचे फेंकने लगे और अब बंदरों को भी लग रहा था कि शेर उनको देख रहा है और ऐसा ही चलता रहा बंदरों को भी गौर हुआ कि शेर उनको पानी फेंकते हुए देख रहा है द डेज पास लाइक दिस द मन की रिपीटेडली यूज द बकेट ऑफ वॉटर एज अ बैम्बू ब्रांच डॉट started throwing it down the mountain and now even the monkeys were feeling that the lion is watching them and continues like this even the monkeys noticed that the lion is watching them throw water कई बार ऐसा लगने के बाद बंदरों को समझ नहीं आया कि शेर उन्हें कुछ कह भी नहीं रहा है और आजकल शेर शिकार करने जाता है और जल्दी ही शिकार लेकर वापस गुफा में आ जाता है उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि फिर शेर जानता है फिर भी हमें कुछ कह नहीं रहा है मेनी टाइम्स आफ्टर दिस द मनकीज डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट द लायन वॉज नॉट इवन सेंग एनीथिंग टू देम एंड नाउ डेज द लायन गोज हंटिंग एंड सून कम्स बैक टू द केव विथ द प्रे दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट देन द लाइन नोज येट इज नॉट से इंग एनीथिंग टू अस उन सबने सोचा क्यों ना हम शेर के पास जाते ही शेर से पूछ ले सब बंदर शेर के पास पहुंचे और उन्होंने शेर से कहा शेर हम रोज तुम्हारा पानी पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और आपको भी यह चीज पता है फिर भी आपने हमें कुछ कहा नहीं और हमारा नुकसान नहीं किया दे ऑल थॉट वाई डोंट वी आस्क द लायन एज सून एज वी वेंट टू द लायन ऑल द मंकीज रीच द लायन एंड दे सेट टू द लायन लायन वी थ्रो योर वॉटर डाउन द माउंटेन एवरी डे एंड यू ऑल्सो नो दिस थिंग येट यू डिडेंट से एनीथिंग टू अस एंड दिडेंट हार्म अस बल्कि हमने आपका रोज नुकसान किया है शेर ने कहा हां मैं सब जानता हूं पर तुम्हें यह नहीं पता कि आजकल मुझे जल्दी शिकार मिल जा रहे हैं वह भी तुम्हारी वजह से बंदरों ने कहा हम तो आपका नुकसान कर रहे हैं तो आपको शिकार कैसे मिल जा रहे हैं रेदर वी हैव हम्ड यू एवरीडे लाइन सेड यस आई नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो दैट नाउ डेस आई एम गेटिंग क्विक प्रे दैट ट्रू बिकॉज ऑफ यू द मन की सेड वी आर हार्मिंग यू सो हाउ आर यू गेटिंग प्रे शेर ने कहा पहाड़ी के नीचे जो तुम पानी रोज फेंक रहे हो उस पानी से नीचे बहुत बड़ी घास उग गई है और उस घास को खाने के लिए दूर दूर से जानवर आते हैं डॉट जब मैं पहाड़ी से उतरता हूँ तो मैं सीधा ऊपर से जानवरों के ऊपर हमला कर देता हूँ द लाइन सेड द वॉटर दैट यू आर थ्रोइंग एवरी डे अंडर द हिल अज ग्रास हैज ग्रोन अंडर दैट वॉटर एंड एनिमल्स कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू ईट दैट ग्रास डॉट वेन आई कम डाउन फ्रॉम द हिल i attack the animals directly from above और अपना शिकार वापस गुफा में ले आता हूं इससे मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती यह सुनकर बंदर हैरान हो गए और उन्हें समझ आ गया कि हमें किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसे हम परेशान कर रहे हैं क्या पता वह चीज उसके लिए फायदा दे रही है एंड ब्रिंग माई प्रे बैक टू द केव द मनकीज वर सरप्राइज टू हियर दैट आई डोंट इवन हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस एंड दे अंडरस्टूड दैट वी शुड नॉट बॉदर एनीवन बिकॉज हु नोज वॉट वी आर ट्रबलिंग इज गिविंग बेनिफिट टू हिम Like कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें विश्व ज्ञान वीडियो के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर वर्ल्ड नॉलेज वीडियोज